हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है गोल्ड भारत फार्मिंग प्लस बिजनेस में। दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज की 100 मुर्गी की पालन में कितनी मैनेजमेंट और कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी एरिया के अंदर हम 100 मुर्गी का पालन कर सकते हैं, चाहे वो चिकन के लिए हो या अंडे के लिए हो। तो मैं इस पे बात करता हूँ कि एक मुर्गी को पालन में 3 स्क्वायर फीट का लगभग जगह चाहिए। अगर आप रूम के अंदर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो अगर आप फ्री रेंज देना चाहते हैं मुर्गी को कि आपने रूम के अंदर पालन भी किया और थोड़ा सा फ्री रेंज भी देना चाहते हैं, तो आप जो रूम बनाना है वो 2 स्क्वायर फीट एक मुर्गी के हिसाब से ये होगा कि आप मुर्गी पालन में अगर जो फ्री रेंज देते हैं तो 2 स्क्वायर फीट की जगह एक मुर्गी के पीछे लगेगी। अगर आप फ्री रेंज नहीं देते हैं तो 3 स्क्वायर फीट की जगह एक मुर्गी के पीछे रखना पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि एरिया कितना होगा। अगर आप थोड़ी सी फ्री रेंज के साथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको 100 मुर्गी के पीछे 200 स्क्वायर फीट का रूम तैयार करा लें तो भी आप फ्री रेंज में करके दिन भर थोड़ी सी मुर्गी टहलेगी और घूमेगी और रात में आराम करेगी। तो इसके लिए आपको 200 स्क्वायर फीट का एरिया तैयार कराना होगा। तो आपको 15x15 का कर लेंगे तो लगभग 200 का स्क्वायर फीट का ये तैयार हो जाएगा। अगर आप ओनली रूम के अंदर करना चाहते हैं, फ्री रेंज नहीं देना चाहते हैं, तो आपको 300 स्क्वायर फीट का एरिया तैयार कराना पड़ेगा, यानी कि 15x20 का रूम तैयार करना पड़ेगा, तब भी आप मुर्गी पालन कर सकते हैं और वहाँ से अंडे के लिए भी या करें या चिकन के लिए करें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपका जो एक मुर्गी के पीछे जो खर्च आएगा वो तैयार होने में, वो अगर जो मार्केट फीड पे करते हैं तो 400 रुपये आएगा, अगर देसी फीड पे करते हैं तो वो 300 रुपये आएगा। इस समय तक मुर्गी अंडे पे एकदम तैयार हो जाएगी। अंडे के लिए इतने खर्च में आप मुर्गी को तैयार कर सकते हैं। तो 100 मुर्गी पालन में ये आपका मैनेजमेंट होगा, ये एरिया होगा और ये खर्च पड़ेगा। अगर 100 मुर्गी पालन मार्केट फीड पे करते हैं तो आपका 40,000 रुपये का खर्च आएगा अंडे देने तक तैयार करने में। अगर जो देसी फीड पे करते हैं 100 मुर्गी पालन, तो 30,000 रुपये का खर्च आएगा अंडे देने तक तैयार करने में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट पे करते हैं या देसी के ऊपर करते हैं। इसके बाद आपकी मुर्गियाँ अंडे देने स्टार्ट कर देंगी। पर डे अंडे देने का जो खर्च होगा वो एक मुर्गी के ऊपर लगभग 4 रुपये का खर्च आएगा। एक मुर्गी अंडे देने में 4 रुपये पर डे खर्च लेगी, यानी कि उसका खुराक जो होगा 4 रुपये का होगा और वो एक अंडे आपको पर डे देगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में बेच रहे हैं। अगर मान के चलिए आप 10 रुपये में भी अंडे बेच रहे हैं तब भी आपका एक मुर्गी का प्रॉफिट जो होगा वो 6 रुपये का पर डे आपको मिलेगा। तो अगर आप 70 अंडे, 100 मुर्गी रखते हैं तो आपको 70 अंडे लगभग 70-75 अंडे पर डे मिलेंगे। तो अगर 70 अंडे ही हम मान के चलते हैं तो 7×42, ये 400 से 500 रुपये तक आप पर डे अर्निंग कर सकते हैं 100 मुर्गी को रख के अपने छोटे से फार्म के अंदर। ये अंडे के ऊपर हो गया, इस प्रकार से अंडे के ऊपर काम कर सकते हैं। अब 100 मुर्गी के चिकन के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं कि चिकन के ऊपर आपको कैसे करना है। चिकन के ऊपर भी आपको जो तैयार करने में जो खर्च आएगा, मैक्सिमम जो खर्च आएगा वो मार्केट फीड पे आएगा, वो 250 रुपये आएगा एक मुर्गी को चिकन के ऊपर तैयार करने में, और जो देसी फीड से आएगा वो लगभग 200 समथिंग आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चिकन के लिए कर रहे हैं या अंडे के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आप इसे आसानी से 2 kg गेन करा के, और चिकन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि चिकन के लिए आप कौन सा ब्रीड ले रहे हैं। तो चिकन के लिए अगर आप चाहते हैं तो कुरैलर WFG आप ले सकते हैं, उसके बाद आप बनराजा ले सकते हैं, उसके बाद आप सोनाली भी ले सकते हैं जो कि आज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। सोनाली जो कि अंडे के लिए भी बहुत ही मशहूर है और ये चिकन के लिए भी बहुत ही शानदार है। सोनाली को भी आप कर सकते हैं, ये भी कम टाइम के अंदर 1 kg गेन कर जाती है और उसका खर्च उतना नहीं आएगा। ये कम टाइम के अंदर ही ये दाने भी कम खाती है और कम टाइम के अंदर ये गेन कर जाती है। और जो आपका ये बनराजा है ये 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक ये हो जाता है, और ये जो कुरैलर WFG है ये आप 3 kg तक का भी गेन कर सकते हैं, 3 kg समथिंग ये गेन कर जाती है ये। तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसमें से चिकन के लिए कौन सा लेना चाहते हैं, लेकिन ये कुरैलर WFG है, प्योर देसी में नहीं आता है, ब्रॉयलर का मिक्स क्रॉस ब्रीड है ये।
तो ये भी अच्छे रेट से बिक जाता है। लेकिन ये बनराजा है और ये सोनाली है, ये प्योर देसी में आते हैं और इनकी रेट भी बहुत ही बेहतर आपको मिल सकती है। तो ये इस हिसाब से आप मेंटेनेंस कर सकते हैं 100 मुर्गी पालन के ऊपर, और 100 मुर्गी पालन करके आप बेहतर रिस्पांस ले सकते हैं। और 100 मुर्गी पालन के ऊपर क्या होता है कि फीडिंग की आप जो कॉस्ट है वो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और जो मैंने 30,000 बचाया बताया नेचुरल फीडिंग के ऊपर, ये मैंने मैक्सिमम बताया है नेचुरल फीडिंग के ऊपर, इससे कम में भी आप 100 मुर्गी पालन कर सकते हैं। और जो मार्केट के ऊपर करते हैं तो ये 40 मान के, इसलिए इसमें मार्केट के दाने का रेट तगड़ा है, तो उस पर ये 40 तो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारी फार्म है और हम अभी इसमें आप देख रहे हैं क्रॉयलर WFG एक मुर्गी है, बाकी कड़कनाथ है। और बाकी इसके बाद जो जितने ब्रीड हैं सब सोनाली के हैं। तीन हमारे पास कड़कनाथ की मुर्गियां हैं और दो मुर्गे हैं, क्रॉयलर WFG एक है, और बाकी लगभग 25 से ऊपर हमारे पास सोनाली की ब्रीड है जो आज मेंटेन हो रही है। लगभग 30 मुर्गियां हैं और फार्म को मैं मेंटेनेंस करा रहा हूं, और मैं जल्द ही 200 समथिंग, 100 या 200 समथिंग मैंने चिक्स लाना है, और इस पर बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि मैंने जो तैयार किया है ये मार्केट फीड पे नहीं तैयार किया है, मैं जो तैयार किया हूँ वो देसी फीड पे तैयार किया हूँ, और इसका बहुत ही बेहतर हमको रिस्पॉन्स मिला है। मुझे तो मालूम ही नहीं चलता है कि हमारी 30 मुर्गियाँ तैयार हुई हैं तो कितना खर्च आया है, इसलिए मैं देसी फीड के ऊपर ही तैयार किया और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आया है। मुझे मालूम है कम खर्च में तैयार हो गए हैं। तो देसी फीड का मैंने मैक्सिमम खर्च बताया है वो, लेकिन उतना लगेगा नहीं, उससे कम खर्च में ही तैयार हो जाएंगे। अभी मैं एक्यूरेट हिसाब एकदम क्लियर जो मैं बताया हूँ वो तो मैक्सिमम मैं बताया हूँ कि उतने में हो ही जाएगा, लेकिन अभी जो मैं 100 चूजे लाने वाला हूँ उसका मैं एक पैसे का भी हिसाब मेंटेनेंस बनाऊंगा। और मुझे अनुमान है कि 100 चूजे मेरे लगभग 20 के अंदर है, मुझे अनुमान है, जो मेरा अभी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको कैलकुलेशन बताया हूँ, जो पूरी कैलकुलेशन होती है कि इतने मैनेजमेंट करे आदमी तो नॉर्मल तरीके से कर सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 20,000 के अंदर ही हमारी 100 चूजे तैयार हो जाएंगे। और इस पर मैं आपको बेहतर वीडियो दूंगा और बेहतर रिस्पॉन्स भी आपको दूंगा, ये लाइफ में आप बहुत ही गजब कर पाएंगे। और मुझे तो करना ही है, मैं कर रहा हूँ, अपने फॉर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट रहा तो कुछ ही दिन में एक बड़े फार्म में तब्दील होगा मेरा फार्म, और बहुत ही गजब का रिस्पांस आपको मैं दे पाऊंगा। गुड बाय फ्रेंड।